नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी का यह खास इनिशिएटिव सीजीपीएससी मेंस प्रोग्राम में। आपके सीजीपीएससी के मेंस प्रोग्राम के मद्देनज़र कंपटीशन कम्युनिटी का यह इनिशिएटिव आपके सातों पेपर के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए यह सीजीपीएससी मेंस प्रोग्राम कंपटीशन कम्युनिटी की तरफ से लाया गया है, जहां पर आपको वीडियो एनालिसिस के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है कंपटीशन कम्युनिटी की वेबसाइट। उस पर विजिट करने के बाद आपको एक डिस्कशन कम्युनिटी मिलेगा। डिस्कशन कम्युनिटी पर वहां पर सातों पेपर के जैसे जैसे शेड्यूल बढ़ते जा रहा है, वहां पर आपको शेड्यूल भी प्रोवाइड किया गया है। उसी शेड्यूल के हिसाब से आपको वहां पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक भी क्रिएट किया जा रहा है। बताया जा चुका है, अगर अभी भी आप नए स्टूडेंट हैं और जानना चाहते हैं कि आपको आंसर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करना है, तो ऊपर में जो आई बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करें और वहां जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कैसे आपको डिस्कशन कम्युनिटी से जुड़ना है, कैसे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है और किस तरह से आपको एनालिसिस वीडियो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वीडियो में, ये टॉपिक आपका 3 दिन पहले ही डिस्कशन कम्युनिटी पर क्रिएट हो जाता है। वहाँ जाकर आप उसको पढ़ सकते हो, आप वहाँ जाकर इसका एनालिसिस कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 7, पार्ट होगा आपका 2, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जान रहे थे। एक वीडियो हमने डिस्कस कर रखा था, वो वीडियो था हमारा संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सहयोगी संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन एंड इट्स एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था। कल आपको वीडियो मिला था, आज हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं और सीजीपीएससी की प्रिपरेशन घर बैठे करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल कोर्स से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल कोर्स के बारे में आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लें या फिर जो वेबसाइट पर नंबर दिया हुआ है उस पर आप हमें कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि इस टॉपिक से आपके किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। पेपर नंबर 7 पार्ट 2 में जो पहला वीडियो कल आया था उसमें मैंने यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल बॉडीज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से बन सकते हैं और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कल डिस्कस किया था। और कल जो डिस्कस किया गया था ये गारंटी है कि यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल बॉडीज हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपका आना एकदम से एकदम गारंटी है। इसीलिए 6 प्रिंसिपल बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कर जाइएगा। आज जो हम लोग यूनाइटेड नेशन और उसके एसोसिएट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं, यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल बॉडीज के अलावा जो बाकी उसके बॉडीज हैं उससे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं वो मैं आज आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। ध्यान रखिएगा पेपर नंबर 7 इसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट किस प्रकार से होता है सबसे पहले यह समझ लीजिए, खासकर जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। पेपर नंबर 7 में आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा, पेपर नंबर 7 के पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूं, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर का, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 4 नंबर का, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 8 नंबर का और एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर का। यहां पर आपसे 15 नंबर का सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं, कल का जो वीडियो आया था पार्ट 1 यूनाइटेड नेशन वाला, उसमें कुछ लोगों का कहना था, खासकर नए बच्चों का, कि सर सोर्स बता दीजिए ताकि हम पढ़ सकें, उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकें, उसके बाद एनालिसिस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। देखिए जो आपका सोर्स है ना, इसके लिए कोई अलग से बुक का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जितना सिलेबस आप में दिया गया है इंटरनेशनल रिलेशन का वो एक बुक में बहुत सारे डिटेल मिल जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूँ, अपने सिलेबस को अपने बगल में रखिए और उस सिलेबस से देखिए और उसके बाद गूगल सर्च कीजिए, हर एक टॉपिक को वहाँ पर एनालिसिस कीजिए। गूगल सर्च करोगे एक एक टॉपिक का तो वहाँ पर आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। कोई टॉपिक सर्च करोगे उससे रिलेटेड अगर कोई करेंट इवेंट होता है तो वो भी आप वहाँ पर समाहित कर सकते हो। तो इसीलिए पेपर नंबर 7 के पार्ट 2 में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगा कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें, चाहे यूट्यूब का इस्तेमाल करें, चाहे वेबसाइट का इस्तेमाल करें और जितने भी आपके सिलेबस में ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं उन सब का कंटेंट आप वहाँ से इकट्ठा करके वहाँ से पढ़ सकते हो। सबसे बेहतर तरीका है पेपर नंबर 7 के पार्ट 2 का तैयार करने का कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं अब क्वेश्चंस के ऊपर। जो आपके क्वेश्चंस दिए गए थे यूनाइटेड नेशन एंड इट्स एसोसिएट्स ऑर्गेनाइजेशन
2 में, यानी कि यह दूसरा वीडियो है जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से उसमें पूछे गए थे। बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रैक्टिस भी किया है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पहला प्रोग्राम था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रमुख भूमिका लिखिए, यानी कि राइट द मेजर रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2 नंबर का है यानी कि 30 वर्ड का है, और 30 वर्ड का है यानी कि इसमें आपको 3 से 4 लाइन मिलेंगे। तो सबसे पहले 1 से 1.5 लाइन में आप लिखने का यहाँ पर कोशिश करेंगे अबाउट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मेशन लिखिएगा, 22 नवंबर 1965 को किया गया, किस लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का गठन किया गया इस बात को लिखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इस तरह से आप इसके बारे में 1.5 लाइन लिख सकते हो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। उसके बाद जो बाकी आपके 2.5 लाइन बच जाते हैं या फिर जो बाकी के वर्ड्स बच जाते हैं, आप उसके मेजर रोल लिखोगे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की भूमिका क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्य कर रहा है, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम काम कर रहा है, विभिन्न देशों को विकसित करने के लिए, विभिन्न देशों में डेवलपमेंट का काम करने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम काम कर रहा है, यहाँ पर नए नए स्किल्स डेवलपमेंट करवाने की कोशिश कर रहा है। ये जो विभिन्न देशों में विकास को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम कर रहा है, ये लगभग पूरी दुनिया के 70 देशों में काम कर रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उस कंट्रीज में पॉलिसीज बनाता है, इसके अलावा स्किल डेवलप करता है वहाँ की गवर्नमेंट के साथ में मिलकर, तो बहुत सारे काम करता है, खासकर जो पिछड़े हुए देश हैं उस देश में डेवलपमेंट प्रोग्राम बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत सारे वर्क कर रहा है। तो ये 3 मेजर रोल आप इसका जरूर मेंशन करना। इसके अलावा जो आप मानव विकास सूचकांक देखते हो ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो भी रिलीज़ किया जाता है किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से। कई बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कई बार प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है वो भी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ही जारी करता है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रमुख भूमिका यानी कि रोल, मेजर रोल्स के बारे में आपका इससे क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इससे अलग भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसके प्रमुख कार्य को बताइए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और भारत से रिलेटेड कुछ यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड कंटेंट तैयार करोगे तो 3-4 क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं उसको ध्यान में रखकर आप तैयार करोगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां से अगर आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, कहां से पूछे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से यहां से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संबंधित गतिविधियों पर चर्चा करें, यानी कि डिस्कस द एनवायरमेंटल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, मैंने कल भी बताया था, प्रश्न को तोड़कर पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है आपको वही लिखना है, ज़्यादा इधर उधर करने की कोशिश मत कीजिएगा, सीधे मार्क्स आपके कट जाएंगे। इसलिए जितना लिखा गया है, जितना आपसे पूछा गया है उतने का ही जवाब देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर यूएनईपी को अलग कर सकते हो क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको यूएनईपी के बारे में लिखना होगा। तो इसके बाद जो किया है, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संबंधित गतिविधियों के लिखना है, यानी कि एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ को यहाँ पर आपको शो करना है कि किस तरह से पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ कर रहा है कौन, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो सबसे पहला पॉइंट आपका अबाउट यूएनईपी के बारे में हो जाएगा, इसमें आप क्या लिखोगे, इसके फॉर्मेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन लिखिए, इसके ऑब्जेक्टिव लिखिए कि क्यों यूएनईपी का गठन किया गया है, फॉर्मेशन इसका 1972 हो जाएगा, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर के बारे में लिखिए, ऑब्जेक्टिव इसका लिखिए कि इसके गठन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद आप आ जाओगे इसके मेन पॉइंट पे, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़,
ठीक है। इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज चार नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको कम से कम 3 से 4 एक्टिविटीज तो लिखना ही है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम क्या रोल प्ले कर रहा है, इसकी भूमिका किस प्रकार से है, कौन कौन से एक्टिविटीज हो रहे हैं इन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से, इन चीज़ों को आपको लिखना है। तो इसमें लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप उठाइएगा जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से चलाया गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 1985 वियना सम्मेलन, जो कि ओजोन संरक्षण से संबंधित यहाँ पर चर्चा करने के लिए वियना सम्मेलन आयोजित किया गया था 1985 में, जिसमें एक मेजर रोल प्ले किया था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। तो इसको आप पढ़ सकते हो डिटेल से। अब देखिए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, हो सकता है 8 नंबर के क्वेश्चन भी आपसे यहाँ से बने, हो सकता है 10 नंबर के क्वेश्चन भी बने यहाँ से आपसे। तो इसीलिए वियना सम्मेलन ओजोन संरक्षण से संबंधित है 1985 का, तो इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आप यहाँ पर अच्छे से इससे रिलेटेड वहाँ पर आंसर कर सको या कुछ फैक्ट्स को भी लिख सको। दूसरा, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का एक्टिविटीज़ पर्यावरण संरक्षण के लिए 1989 बेसल संधि जो कि लागू हुआ था 1992 में, ये खतरनाक कचरा पे संबंधित था, यानी कि जो भी वेस्टेज होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से मैनेज किया जाए, इसीलिए बेसल संधि 1992 में लागू किया गया था। ये भी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ था। इसके बाद आप 1992 में आ जाओगे तो ये हम लोगों ने बहुत एनवायरमेंट में पढ़ा है, पृथ्वी सम्मेलन। ये कौन सा 1992 का पृथ्वी सम्मेलन है, याद है ना, रियो डी जेनेरियो का जो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन था, अर्थ सबमिट था, ये बहुत फेमस है। जब भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो ये हमको बार बार मिलता है। तो इसका जो एजेंडा 21 था, जिसको कि इस पृथ्वी सम्मेलन में लागू किया गया था, पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, इस पृथ्वी सम्मेलन का आप यहाँ पर 1992 में मेंशन करना, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है आपका ये पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21 इसका। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर अपडेट कर सकती हो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। ये देखो, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है और आप इससे रिलेटेड करेंट के कुछ डेटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 2012 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का एक कार्यकारी निकाय है, समझ गए। अब ये कार्यकारी निकाय है, यानी कि दुनिया में जितने भी बड़े इन्वायरमेंटल डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिसीजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा लिया जाता है, जो बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। और इसका जो 4th सबमिट था वो इसका आयोजित हुआ था मार्च 2019 में, कहाँ हुआ था, केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। और इसका जो 5th सबमिट है वो 2020 में होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, और आने वाले समय में जितने भी मेजर रोल प्ले देखोगे आप इनकी तरफ से देख सकते हो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की तरफ से, ठीक है। तो ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, बस क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, ये चीज़ें आप यहाँ पर सीख लो। उसके बाद जब आप यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड जब वहाँ पर डिटेल पढ़ोगे तो भारत और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के भी कुछ डेटा आप लोग पढ़कर रखना, इसके कार्य, इसकी भूमिका, इसकी समीक्षा करना, या फिर पर्यावरण संतुलन में अगर आलोचनात्मक आपसे प्रश्न पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, तो कुछ इसके आलोचनात्मक भी पॉइंट्स रख सकते हो। कैसे रख सकते हो कि पर्यावरण संरक्षण में जो भी स्टेप्स या फिर जो भी एक्टिविटीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से, क्या सारे कंट्री उसके बात को मान रहे हैं या सारे कंट्री उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए इस दिशा में बेहतर कदम उठाया गया है, इन सारी बातों पर भी आप समीक्षा कर सकते हो और कुछ रिपोर्ट्स के डेटा भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक बेहतर उत्तर लिख सकते हो 4 नंबर के क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा, 8 नंबर के क्वेश्चन में अगर इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो आप इन पॉइंट्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करना, 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं तो कुछ और यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर 4 एक्टिविटीज़ को ऐड किया है तो आप यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज़ को भी इसके ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 8 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। चलिए इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है, विश्व में शांति स्थापित करने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापन एजेंसी के योगदान पर प्रकाश डालिए।
8 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए सिर्फ हिंदी में लिखा हुआ है। इंग्लिश में क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। हाईलाइट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग एजेंसी कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड इस्टेब्लिशिंग पीस इन द वर्ल्ड। 8 मार्क्स में आपको क्वेश्चन लिखना है, यानी कि यहाँ पर आपको 100 शब्द मिलेंगे और 100 शब्द में यहाँ पर आपको पता है कि 12 से 13 लाइन होंगे और इसमें आप एक बेहतर उत्तर कैसे लिख सकते हो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग से संबंधित कि ग्लोबल पीस में इसकी क्या भूमिका रही है। अब तक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसीज है और जहाँ पर भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस भी स्टेट के PSC में शामिल है वहाँ इससे प्रश्न पूछे जाते ही हैं, तो इसीलिए संभावना है कि CGPSC में भी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग से संबंधित कम से कम क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, हो सकता है 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन है, दो मार्क्स में भी हैं, 4 मार्क्स में भी हैं, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि पीस कीपिंग है क्या। तो अबाउट पीस कीपिंग क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद क्वेश्चन को समझिएगा। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन का अगर सारांश देखोगे तो पीस कीपिंग पर है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो एक प्रमुख एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापन यानी कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग एजेंसी, इसके बारे में लिखना है। इसके अलावा दूसरा है इसमें विश्व में शांति स्थापित करने में इसके योगदान पर प्रकाश डालिए, यानी कि इसने अब तक जो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किया है उसको आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले अबाउट पीस कीपिंग यानी कि शांति स्थापन के बारे में आप लिखेंगे। इसके बारे में जब आप लिखेंगे तो इसका फॉर्मेशन लिखिएगा, इसका हेडक्वार्टर लिखिएगा, इसकी स्थापना 29 मई 1948 को किया गया था और इसके ऑब्जेक्टिव को लिखिएगा। इसके ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य को सरल भाषा में अगर मैं इसके उद्देश्य को बताऊँ, अगर किसी देश में अस्थिरता जैसी माहौल हो जाती है और उसको किसी देश की मदद पड़ती है या वर्ल्ड एजेंसीज की मदद पड़ती है तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो है अपनी सेना वहां भेजकर उस देश में शांति स्थापित करने की कोशिश करता है या सुलह करवाने की कोशिश करता है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। यहां पर एक बात और समझिएगा कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का कोई अपना सेना नहीं होता, इसके जो मेंबर हैं और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वही मेंबर कंट्रीज़ की सेना जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के काम में लगे रहते हैं और उन्हीं देशों के उनके मेंबर्स के देश ही की जो सेना है वही जहां पर अस्थिरता होता है देश में वहां जाकर शांति स्थापित करवाने का काम करते हैं। इसमें भारत की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। यहां से क्वेश्चन तो ये आपसे पूछा गया कि विश्व में शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापन की क्या भूमिका है, उस पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर भारत से संबंध में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आगे एक दो पॉइंट में मैं बताऊँगा कि भारत की सेना किस प्रकार से रोल प्ले कर रही है संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापन एजेंसी में और विभिन्न देशों में किस प्रकार से भारतीय सेना जो है वहाँ पर शांति स्थापना करवाने का काम कर रही है पीस कीपिंग के माध्यम से। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप इसके अबाउट पीस कीपिंग के बारे में लिख रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप ये यूज़ कर सकते हो कि 1988 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापन को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था वो था टूवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग पीस इन द वर्ल्ड, तो इसका क्या मेजर रोल रहा है दुनिया में पीस स्थापित करने में, शांति स्थापित करने में। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि इसकी स्थापना 1948 में किया गया था, ठीक है। दुनिया में उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया में अस्थिरता थी, पूरी दुनिया में अस्थिरता को स्थिर बनाने के लिए इस पीस कीपिंग एजेंसी आई थी और 1948 में ही अरब और इसराइल के बीच में जो अस्थिर का माहौल था, युद्ध का माहौल था, उसको शांति स्थापित करवाने में 1948 में एक मेजर रोल प्ले किया था किसने, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापन ने। दूसरा यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल दें, ये सिर्फ मैं आप एग्जांपल दे सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं। अगर अभी आप देखोगे प्रेजेंट टाइम पर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग 4 महाद्वीपों के 17 देशों में अभियान चला रहा है वहाँ शांति स्थापना के लिए, ठीक है। तो 1948 अरब इसराइल जो वॉर की स्थिति थी वहाँ पर शांति स्थापना का काम किया। कोरिया संकट 1950, दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया में जो युद्ध चल रहा था उसमें पीस स्टैब्लिश करवाने का काम मेजर रोल प्ले किया किसने, इस एजेंसी ने। ईरान और इराक के बीच में 1980 में जो हालात थे उसको शांति स्थापना करवाने में एक मेजर रोल प्ले किया। खाड़ी संकट कहने का मतलब है 1990 में यहाँ पर इराक को अलग करवाया गया कुवैत से, तो यहाँ पर भी एक मेजर रोल प्ले किया था किसने, यूनाइटेड नेशन
पीस कीपिंग एजेंसी ने। तो ये सब कुछ आप एग्जांपल दे सकते हो, करेंट डेटा दे सकते हो कि अभी वर्तमान समय में 4 महाद्वीपों में 17 देशों में पीस कीपिंग एजेंसी की तरफ से जो है वो शांति स्थापन के लिए काम किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग भारत की भूमिका की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हो गया। और हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के अंत में निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। हालांकि वो 2 जैसे 8 नंबर में निष्कर्ष लिख सकते हो, 10 नंबर में लिख सकते हो, तो निष्कर्ष 2 से 3 लाइन में ज़्यादा यहाँ पर मत रखिएगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, हो सकता है पीस कीपिंग में भारत की भूमिका पर आपसे प्रश्न पूछा जाए। तो भारत की भूमिका जो है, अभी पीस कीपिंग में जितने भी सेना तैनात हैं उसमें से 3रे नंबर पर है भारत, यानी कि 3रे सबसे बड़ी सेना भारत की जो पीस कीपिंग में काम कर रही है, चाहे वो दक्षिणी सूडान हो, इसके अलावा लीबिया हो, ऐसे ऐसे जगह पर पीस कीपिंग एजेंसी जो है वहाँ पर पीस इस्टेब्लिश करवाने का काम कर रही है। इसके अलावा सीरिया में भी पीस कीपिंग काम चल रहा है वर्तमान समय में। तो इस तरह से अभी वर्तमान समय में ये डेटा यूज़ कर सकते हो, 17 देशों में 4 महाद्वीपों में पीस कीपिंग एजेंसी काम कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, शांति स्थापन से संबंधित क्वेश्चंस अगर आसपास भी बनते हैं तो आप उसके डेटा को, और सबसे अच्छा डेटा संग्रहित करने का काम आपका इंटरनेट करेगा, वहाँ से आप जाइएगा, इंटरनेट में पीस कीपिंग से संबंधित सर्च कीजिएगा, बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, तो यहाँ से आप अच्छे से डेटा एकत्रित कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं कि 10 नंबर के क्वेश्चंस किस प्रकार से हो सकते हैं आपसे और किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसके बाद जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत अच्छा स्कोर आप यहाँ कर सकते हो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। याद रखिएगा, जब भी 8 मार्क्स, 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आप इसमें कंक्लूजन जरूर ऐड करना। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बेस को कहा जाता है, द्वारा बच्चों के लिए निर्धारित 8 चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों का वर्णन करें। यूनिसेफ ने बाल हित में यहाँ पर 8 चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों का वर्णन किया है और उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न में सबसे पहले आप यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रन फंड्स के बारे में लिखोगे। क्वेश्चन अगर मैं इंग्लिश में पढ़ दूँ आप लोगों के लिए, डिस्क्राइब द 8 चैलेंजिंग एरियाज सेट बाय द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, 125 वर्ड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, लगभग 15 से 16 लाइन यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। ध्यान रखिए, एक सटीक उत्तर आपको लिखना है इस 15 से 16 लाइन में। पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है 8 चैलेंजेस, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ गए कि यूनिसेफ बच्चों के लिए कौन से 8 चैलेंजेस मानता है आज के टाइम पर, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बच्चों से संबंधित बहुत सारे डेफिनेशन भी यूनिसेफ ने दिया है। तो कभी भी अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है, यानी कि अगर पूछा जाता है कुपोषण को परिभाषित कीजिए, तो कुपोषण को परिभाषित करने के लिए आप यूनिसेफ का इस्तेमाल कर सकते हो। यूनिसेफ के अनुसार ये सब सारी बातों का जो डेटा जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डेटा कलेक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को लिखने के लिए आपसे एक चीज़ आया, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के बारे में आपको यहां पर लिखना होगा। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1946 में हुआ। एक बात ध्यान रखिएगा, जब इसका फॉर्मेशन पूछा गया है तो आप इसका ऑब्जेक्टिव लिखना ना भूलें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब आप लिखते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव एक लाइन में आप लोग जरूर लिखें। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यह एक विशेष कार्यक्रम है जो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण में सुधार के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 1946 में गठित संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पर 8 चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों का वर्णन आपको करना है। तो सबसे पहला इसमें आ जाता है जलवायु परिवर्तन, जिसको कि यूनिसेफ मानता है कि जलवायु परिवर्तन बच्चों के लिए यानी कि बच्चों के फ्यूचर पर एक बहुत ही चैलेंजिंग फैक्टर वर्तमान समय में है। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि देखिए, क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, किसी क्षेत्र में बाढ़ आता है, किसी क्षेत्र में सूखा होता है, किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है। तो यूनिसेफ के अनुसार पूरी दुनिया में 500 मिलियन बच्चे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अलावा 160 मिलियन बच्चे जो हैं वो सूखा ग्रसित क्षेत्रों में रहते हैं। जो मैं डेटा बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूरी दुनिया में 500 मिलियन बच्चे जो हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं,
और 160 मिलियन बच्चे जो हैं वो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं। तो इस तरह से इसका डेटा इस्तेमाल कर सकते हो कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन जो है वो बच्चों के भविष्य पर एक आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण क्षेत्र का वर्णन कर रहा है यूनिसेफ। दूसरा यहाँ पर आ जाता है प्रदूषण। प्रदूषण के मामले में यहाँ पर क्या कहता है, पॉल्यूशन के बारे में अगर मैं यहाँ पर यूनिसेफ का डेटा आप लोगों से शेयर करूँ तो इसमें खासकर जल संकट की समस्या गहराई से दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2040 तक विश्व में प्रत्येक 4 में से एक बच्चा जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में होगा। 2040 तक प्रत्येक 4 में से एक बच्चा जो है गंभीर जल संकट क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर होगा। इसके अलावा वर्तमान में विश्व के 90% से अधिक बच्चे जो हैं वो प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। 90% से अधिक बच्चे, ध्यान रखिएगा ये डेटा यूनिसेफ का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये डेटा लिया गया है। तो 90% जो बच्चे हैं वो दूषित हवा में सांस लेने के लिए मजदूर हैं। तो सेकेंड चैलेंजिंग एरियाज जो हो गया वो पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया। एक मेजर और भी चैलेंजिंग एरिया है प्रवासन, यानी कि माइग्रेशन, इसको हम लोग कहते हैं। प्रवासन के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारे जो माइग्रेंट्स होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, खासकर बॉर्डर वाले एरियाज में ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इस तरह से ये भी एक चैलेंजिंग फैक्टर है प्रवासन, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों की मानसिक स्थिति है ना वो बिगड़ती है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हो, वहाँ पर आपको अलग तरीके से बिहेव किया जाता है, तो बच्चों की जो मेंटल प्रेशर होता है ना वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये भी एक चैलेंजिंग एरिया मानता है यूनिसेफ। तीसरा है नागरिकता विहीन, यानी कि स्टेटलेसनेस, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, इस बात को यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। यूनिसेफ कहता है कि प्रत्येक दिन 4 बच्चे में से एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसके पास में ना कोई नागरिकता होती है ना कोई राष्ट्रीय होता है, वो नागरिकता विहीन हो जाता है। इसीलिए उसको जो प्रॉपर सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो पहचान मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए बच्चों के लिए 8 चैलेंजिंग एरियाज में से एक है उसका नागरिकता विहीन। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य की बात करता है। मानसिक स्वास्थ्य पे यहाँ पर बात किया गया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि वर्ष 2006 में 62,000 किशोरों की मौत आत्महत्या से हुई। 2016 में 62,000 युवाओं ने आत्महत्या की, यानी कि किशोर ने आत्महत्या की। इसमें से ज़्यादातर जो थे वो 15 से 19 वर्ष के उम्र के बीच के यहाँ पर बच्चे थे, और इनकी आत्महत्या मानसिक प्रताड़ना के कारण हुआ, मानसिक स्वास्थ्य के कारण हुआ। तो एक डेटा आप यहाँ पर बच्चों के लिए जो चैलेंजिंग है मानसिक स्वास्थ्य, इससे रिलेटेड आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। छठवा आ जाता है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा से अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो वो बच्चे ही होते हैं, क्योंकि किस क्षेत्र में अगर बाढ़ आ गया, सूखा आ गया या भूकंप आ गया, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। या अगर किसी दो देशों के बीच में युद्ध हो गया और जिस क्षेत्र में युद्ध हुआ तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हैं वो बच्चे ही होते हैं। इसमें कहा जाता है डेटा में से प्रत्येक 4 में से एक बच्चा हिंसक संघर्ष या आपदा से प्रभावित देशों में रहता है। आज दुनिया में जितने भी बच्चे हैं ना, प्रत्येक 4 में से एक बच्चे जो हैं वो हिंसक या युद्धग्रसित क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये भी बच्चों के लिए यूनिसेफ मानता है कि एक 8 चैलेंजिंग एरियाज में से एक एरिया है कौन सा, आपका प्राकृतिक आपदा, या फिर आप मैनमेड आपदा भी इसको कह सकते हो। यहाँ पर प्राकृतिक आपदा और यहाँ पर मैनमेड आपदा को भी ऐड किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन गलत सूचना, यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और खासकर बच्चों पे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। गलत सूचनाएं जो है बच्चों तक सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, सबसे जल्दी प्रभावित करती है, खासकर बच्चों को। तो इसीलिए उन गलत सूचनाओं से बच्चों के फ्यूचर पे भी खतरा पड़ सकता है। तो इसीलिए आज के टाइम पर एक 8 चैलेंजिंग फैक्टर में से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट एरिया है ऑनलाइन गलत सूचना। और आठवां जो चैलेंजिंग एरिया है ये भी आपका ऑनलाइन गोपनीयता से संबंधित है। इसमें ऑनलाइन प्राइवेसी का मतलब ये हो गया कि जो हैकिंग वाला सारे सिस्टम्स हो गए तो वो सब बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि आज के टाइम पर वर्ल्ड में प्रत्येक 3 बच्चे में से एक बच्चा जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से उन लोगों को ऑनलाइन हैकिंग की तरफ ज़्यादा ढकेला जा सकता है। तो इस तरह से टोटल 8 चैलेंजिंग एरिया माना गया है
किसकी तरफ से? यूनिसेफ की तरफ से। बच्चों के लिए अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो ये 8 चैलेंजिंग एरियाज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये यूनिसेफ का 8 चैलेंजिंग एरिया है बच्चों के लिए, और बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको कुपोषण से संबंधित पूछेगा, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो यूनिसेफ एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, इससे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर इस तरह से पूछे जा सकता है कि यूनिसेफ की तरफ से बच्चों के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, या फिर कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, तो इन पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हो। कंक्लूजन में क्या लिखोगे? जो ये 8 पॉइंट्स बताए गए हैं, इस 8 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हर देश की सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, लॉज बनाने चाहिए, यानी कि पॉलिसी मेकिंग करना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर कंक्लूजन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा आज का डिस्कशन। और देखिए, एक बार फिर से मैं जाने से पहले बोलता हूँ कि डिस्कशन कम्युनिटी पर जाकर आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा। टॉपिक डेली वाइज क्रिएट होते जा रहा है, वहाँ पर सारे शेड्यूल्स आप लोगों को अवेलेबल करवाया गया। शेड्यूल के हिसाब से देखिएगा, डिस्कशन कम्युनिटी पर जाकर वहाँ पर वीडियो अटेम्प्ट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारा ये मेंस प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो वीडियोस पे लाइक किया कीजिए, दोस्तों तक शेयर किया कीजिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप नए हैं और CGPSC की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आप हमारे मोबाइल कोर्स को भी परचेस कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, या फिर वेबसाइट पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है वहां से आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।